दोस्तों मली वर्सेस लिसोतो के बीच होने वाला है अफ्रीका क्वालिफायर ए का दोस्तों मैच आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए। इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे दोनों ही टीम के बारे में, बहुत ही सिंपल तरीके से बट डिटेल्स एनालिसिस मिलेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखो। एंड अगले मैचेस के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया टेलीग्राम चैनल का। जिमखाना दरेसलाम पे होगा मैच, 120-140 एवरेज स्कोर है। बैटिंग के लिए अगर देखोगे वेन्यू ठीक है बट टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा वन साइडेड चल रहा है और वीकर टीम ने जब जब बैटिंग फर्स्ट किया ना तो गुच्छे में जाके विकेट गिरा है, तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा टीम स्ट्रॉन्गर है और उनके ही फेवर में टीम बनाओ। अगर ये मैच में देखोगे तो मली वर्सेस लिसोतो मैच है दोस्तों, जहाँ पे मली जो टीम है अब तक तीन का तीनों मैच हारा और इनका ओपनिंग लिसोथो ने भी तीनों का तीनों मैच हारा, बट मली ना हद से ज़्यादा वीकर टीम है। ठीक है, अब इनके बारे में आगे हम लोग एनालिसिस करके समझेंगे, बट तब तक आपको टेलीग्राम जरूर जुड़ना है फॉर फाइनल कवरेज। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं एनालिसिस में आते हैं कि 9 मैचेस हो चुके हैं, 4 बैट फर्स्ट 5 बैट सेकेंड, एवरेज स्कोर 120-130 एवरेज स्कोर, दोनों टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है तो आपको रन कम ही बनते हुए दिखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो मान के चलो कि बॉलर्स ही आपको टाइट करके चलना है। तीन का तीनों मैच माली ने हारा है, चौली बेली के साथ ओपन करेंगे डियाकिटे, फिर सनोगो, फिर आएंगे मकालू, फिर आएंगे संजय कमाटे होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से देखोगे तो दोस्तों कुली बेली इन्होंने एक ओवर में एक विकेट निकाला एक मैच में, बाकी मैचेस में ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया, करियर में 10 मैच में सिर्फ 5 ओवर, अभी के लिए मस्ट पिक नहीं है, 50-50 कॉल है, ड्रॉप रोटेट कर सकते हो हम लोग, बट अगर बॉल फर्स्ट होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉल फर्स्ट में ऐड कर सकते हो। लिसोतो स्लाइटली बेटर है कम्पेयर टू मली, कीप इट इन माइंड। डियाकिटे सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं तो इग्नोर करने हैं, सनोगो आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकता है तो सनोगो को चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। अब तक इस टूर्नामेंट में ना मली ने 43 पे एक बार ऑल आउट हुआ, एक बार ऑल आउट हुआ है 57 में और एक बार ऑल आउट हुआ है 18 पे, अब तक बॉलिंग फर्स्ट नहीं किया। अगर बॉल फर्स्ट करता है तो सनोगो आपके लिए अच्छा चॉइस रहेगा, एक मैच में 15 रन भी बनाए थे। मकालू आपके लिए अच्छा चॉइस है, इस टीम से बेस्ट चॉइस में से एक रहेंगे, जिसका करियर में भी 10 T20 में 21 ओवर में 8 विकेट है, चलो इसको बैक करना चाहिए। संजय कमाटे को ऐड कर सकते हो, बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, स्पेशली बॉल फर्स्ट में ज़्यादा प्रेफर करूंगा दोस्तों, 10 T20 में इससे पहले 5 ओवर डाला बट अभी बॉलिंग कर रहे हैं कुछ मैचेस में। कीटा ने एक एक ओवर डाला और एक मैच में एक ओवर में 2 विकेट निकाला, चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। 10 T20 में 6 ओवर इस सीरीज से पहले, मकाजी कोनाटे इग्नोर करेंगे, प्योर बैटर को तो इग्नोर ही कर सकते हो। मल्ले एक मैच में 2 ओवर में 1 विकेट निकाला, चलो ऐड कर सकते हो बट करियर में इसका उसका बॉलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है इस सीरीज से पहले, 5 मैच में कुछ नहीं किया। बैठते फॉरफाना देखो बहुत वीक टीम है बट स्टिल जो प्लेयर्स मुझे ढंग का लगा, कमाटे लगा जिसने कुछ मैचेस में बॉलिंग डाला, इन्होंने ना हर बार डिफेंड किया, 18 डिफेंड किया, ओपोनेंट ने 5 बॉल पे मैच खत्म कर दिया। 57 डिफेंड करने लगा तो 9 ओवर में ओपोनेंट ने मैच खत्म कर दिया, 43 डिफेंड करने लगे तो 3 ओवर में मैच खत्म हो गया, तो समझ रहे हो। इसलिए इनके बॉलर्स के ज़्यादा नंबर ऑफ बॉलर नहीं है बट बॉल नहीं है, बट स्टिल कमाटे मकालू दोस्तों ठीक ठाक लग रहा है, कुली बेली भी बॉलिंग करते हुए दिख सकता है और सोनोगो भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, एंड दोस्तों मल्ले, ये 4-5 ऑप्शन आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगा। अगर बॉल फर्स्ट होता है तो बॉलर्स को ऐड करो, मैक्सिमम ट्राई करो कि बॉलर्स ऐड करना है। ठीक है, इनमें से जो ढंग का चॉइस है कौन है, एक तो दोस्तों सोनोगो ऐड कर सकते हो, मकालू तो एनी कंडीशन ऐड कर लेना, सोनोगो को ऐड कर सकते हो, कमाटे को, ये तीन मुझे सबसे ढंग का लगा दोस्तों। इसके साथ ऐड करना है तो इसको ऐड सकते हो, केइटा को। ठीक है, 10 मैच इस सीरीज से पहले भी इसका बॉलिंग है थोड़ा बहुत। अब आते हैं लिसोतो जो इस मैच को विन करेगा, बट टूर्नामेंट में सेकेंड वीकेस्ट टीम है। गैब्रियल के साथ लियोला ओपन करेंगे, मास खान लियो काउके होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से देखो कुछ अच्छे प्लेयर्स, गैब्रियल क्योंकि बैट बॉल दोनों करा सकता है दोस्तों, ऐड कर लेंगे टीम में नंबर 1। नंबर 2 लियोला नहीं ऐड करने वाला हूँ, सिर्फ बैटिंग से वैल्यू दे रहे हैं बट कुछ खास कर नहीं रहे, ऐड कर सकते हो क्योंकि ओपोनेंट इनसे भी ज़्यादा वीक है इसलिए ऐड कर सकते हो, बट मस्ट बी प्लेयर ये नहीं रहने वाले। ठीक है, लियोला मास खान आपके लिए सेफ ऑप्शन है, इस मैच में मास को ड्रॉप मत करो, मास को स्पेशली दोस्तों बैट फर्स्ट तो कतई मत ड्रॉप करो, कैप्टन भी बना सकते हो, 20 का एवरेज है इस सीरीज से पहले। लियो काउके शायद पब्लिक कैप्टन बनाएगा, मैं भी शायद कैप्टन बनाऊंगा इस टीम से, सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस है। साजिद पटेल अगर बैट फर्स्ट होता है जहर पी के, अगर चेस कर रहा है ना टीम तो इसको ड्रॉप कर सकते हो, अगर ये ओपन आ गया तो आपका लक खराब है, अगर ये मिड ओवर में खेला और चेस करता है तो दोस्तों शायद चेस में इनका ज़रूरत ही ना पड़े,
बट अगर ओपन आ गया तो दोस्तों बुरा फंस जाओगे, ये भी बात सही है। टाली 3-7-1 याकूब आपके लिए बहुत सही चॉइस है, बट सजीत पटेल को बैट फर्स्ट रख लेना। हाँ याकूब पब्लिक का कैप्टन चॉइस है, हमारा भी कैप्टन चॉइस है दोस्तों, सबसे बेहतरीन प्लेयर में से एक रहेंगे इस मैच में, डिफ़ॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में से रहेगा, पब्लिक बैक करेगा, इवन हम लोग भी दोस्तों इस मैच में इनको बैक करेंगे या वसीम याकूब को। और लेफुलेरे मस्ट बी प्लेयर है, 2-4-3 इंपॉर्टेंट चॉइस है। चाहोना इस मैच में आई थिंक मेरा वाइस कैप्टन बनेगा चाहोना, क्योंकि सही में इसके पास स्पेस है, अच्छा बॉल डाल रहा है, लास्ट मैच में विकेटलेस, बट ये प्लेयर अच्छा है, बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकते हैं। मुझे नहीं दिख रहा है कि बैटिंग से वैल्यू देंगे, बट ये बॉलिंग से वैल्यू देने वाले, तो बॉलिंग से वैल्यू देने वाले तो हम लोग टीम में रख सकते हैं बिंदास, तो अच्छे चॉइस लग रहे हैं मुझे दोस्तों, मैं ऐड करूँगा अपनी टीम में। ठीक है, यहाँ से मत्साऊ कुछ खास किया नहीं है, मिजारो देखो मत्साऊ बोलो या मिजारो बोलो, एक आधा ओवर डाला है, ओपोनेंट का बैटिंग इतना ज़्यादा वीक है ना, अगर एक आधा ओवर डालता है ना तो भी विकेट लेने के हाई पॉसिबिलिटीज हो जाते हैं, तो ऐड कर सकते हैं हम लोग, नॉट बैड, आई रिपीट ऐड कर सकते हैं टीम में दोस्तों, अच्छा खासा डिफरेंशियल बन सकते हैं, क्योंकि ओपोनेंट का बैटिंग इतना ज़्यादा वीक है, कोई भी बंदा विकेट निकाल के जा सकता है अगर ओवर करता है। ओपनिंग बॉलिंग चाहोना वसीम याकूब मत्सा उडेत में चाहोना याकूब और मिजारो, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 1-3-18-20 1-3-17-19 1-3-5-20 बढ़िया प्लेयर है चाहोना, वसीम याकूब भी एक अच्छा ऑप्शन है जो डेथ करते हुए दिखेंगे पावर प्ले के साथ। लेफुल ले रहे मिल ओवर में करेंगे, गैब्रियल लेबोना मिल ओवर डाल रहा है, मिजारो देखो लास्ट मैच में 4 ओवर डाला, यार ऐड करो जितने भी बॉलर है ना इस टीम से, ट्राई करोगे ऐड करना है टीम में। ठीक है, उमर हुसैन विजय कुमार वगैरह देख सकते हो। हिट वेट जब 2022 में हुआ लिसोथो ने 138 बनाया 6 विकेट में, गैब्रियल 45 बनाए थे 21, वसीम याकूब चाउना जैकदा 2 विकेट ईच, खान अरबाज है नहीं, मत्साउ थमी का 1 विकेट, 107 तक मली पहुंचा बहुत ज़्यादा होता है, कीटा 35 बनाया था, मकालू ने 12, बेस्ट बॉलर 2 विकेट था मकालू ने, और डीबा सोनोगो ने 1 विकेट निकाले थे, काली भी 1 विकेट निकाले थे, और मामादाओ दियावारा 1 विकेट। चलते हैं अभी ड्रीम इलेवन टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो, और जुड़ जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है टेलीग्राम चैनल का। दोस्तों माली वर्सेस लिसोतो मैच में जो मेरा टीम बनेगा, विकी से मैं किसे लेने वाला हूँ, लिसोतो से ताली ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं यार एस पटेल बहुत अच्छा कर रहा है, अगर फील्डिंग फर्स्ट होता है ना ताली का ऐड कर सकते हो, एस पटेल का बैटिंग नहीं भी आएगा, बट एस पटेल विकी नहीं करेगा, प्रोबेबली शायद ताली विकी करेगा। ठीक है, ये कंफर्म होना मुझे जितना याद आ रहा है दोस्तों, ताली शायद विकी करेगा। ठीक है, देखो ये एक कैच लिया है ना, ये बैटिंग कर रहा था लास्ट मैच में, बैटिंग से वैल्यू दिया। यहाँ से हम लोग किसको इसको ऐड करेंगे, माज खान को ऐड करते हैं इस मैच में, बहुत ज़रूरी है। बाकी प्लेयर में से पहले ना मैं मस्ट पिक ले लेता हूँ, कोलिबाली इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है अच्छा खासा ऑप्शन है, बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे। वसीम याकूब सही चॉइस है, सनोगो को ऐड करते हैं, कमाटे को ऐड करते हैं, लीरो थिली को ऐड करते हैं, बॉलिंग करते हुए आपको दिखेंगे दोस्तों। यस ओवर्स एक डाला था लास्ट मैच में, बॉलर्स ऐड करना है, चाहोना मेरा वाइस कैप्टन ऑप्शन, मकालू अच्छा ऑप्शन है माली से है, बट बॉल फर्स्ट होता है तो ज़्यादा चॉइस है दोस्तों। ठीक है, ऐड कर सकते हैं इसको। फिर 16 देर ओवर डाला, यहाँ से लियोकाओ के लेफू ले रहे, मजेरो को ऐड करना है यार, मजेरो को कहीं से तो ऐड करना है यार, इतने सारे इनके प्लेयर शायद नहीं लगेंगे। ठीक है, इनके किसी प्लेयर की जगह ना मजेरो को ऐड कर सकते हो दोस्तों, मतलब समहाउ मजेरो को ऐड कर लो यार, ये भी बंदा बॉलिंग डालेगा, कल लास्ट मैच में बहुत सारा बॉलिंग डाला था। लेफुल ले रहे कितना ओवर डाला था, ये भी तो बॉलिंग डालेगा यार, बॉलर्स को ऐड करना ही पड़ेगा। मकालू ठीक है, सानोगो ठीक है, कमाटे के जगह मैं फ़िलहाल दोस्तों ऐड कर रहा हूँ किसको, मजेरो को। ठीक है, कमाटे को भी ऐड कर सकते हो बॉल फर्स्ट, ट्राई करो, एक ही मैं आपको सजेस्ट दूंगा दोस्तों, पहले देखो टॉस क्या हो रहा है, अगर इन्होंने बॉलिंग ले लिया ना तो इनके जितना बॉलर है मैंने आपको बताया ना 7 बॉलर 70 को रख लो, अगर इनका बॉलिंग फर्स्ट होता है तब इनके 3 बॉलर में से एक कमाटे को मैं ऐड कर लूँगा समहाउ किसी की जगह, जिसका नंबर ऑफ ओवर्स कम लगेगा तब। ठीक है, आफ्टर टॉस कर लूँगा, फिलहाल कैप्टन वसीम याकूब डिफॉल्ट है, और मैं ना चाहोने को वीसी बनाऊंगा, पब्लिक जिसको भी बनाना है बनाने दो, और साजिद पटेल स्पेशली बैट फर्स्ट ज़्यादा सही है कम्पेयर टू चेजिंग। ठीक है, फिलहाल ये रहेगा कवरेज, कुछ भी अपडेट आता है अगले मैचेस के कवरेज अपडेट डेमो टीम के साथ, मिलते हैं हम लोग मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू दोस्तों।